तुम्हारी वजह से डांट रही हूँ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। लेकिन टेंशन मत लो, अब इसे तुम्हारी वजह से डांटनी सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम और तुम्हारी बेटी इस घर में नहीं रहेंगे। क्या? ज्यादा भोली मत बनो। सब जानती हो कि तुम्हारी चहेती बेटी ने किया क्या है। अरूज ने कुछ नहीं किया भाभी, सलमान उससे धोखे से साइन करवा रहा था। ज़बान बंद रखो। तुम मेरे बेटे को धोखेबाज कह रहे हो? के पास तो तुम्हारी बेटी है जिसने इस प्रॉपर्टी के लिए ये सारा खेल खेला। लेकिन भाभी, बस कर दो। अब कहने या करने के लिए तुम्हारे पास और तुम्हारी बेटी के पास कुछ नहीं बचा। तुम और तुम्हारी बेटी अब इस घर से निकल जाओ। ये आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। अब जाओ और अपनी बेटी को लो और निकल जाओ इस घर से। याद रखना ये बात मैं बड़ी शराफत से कह रही हूँ। अपनी बेटी को लो और निकल जाओ इस घर से, नजर ना आना यहाँ। अम्मी, इधर देखिए, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताएं मुझे क्या हुआ है। ये लोग कह रहे हैं कि कभी यहां से चले जाए। कौन कह रहा है ये सब? शायस्ता भाभी। होती कौन है वो? कौन होती है वो हमें हमारे ही घर से निकालने वाली? तनी क्या समझती है खुद को? काश तो मैं इनकी खबर लेके रहूंगी। मॉम, ये रूच ने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ कर दिया, मैं जानती हूँ उसे।
मैं आपको आइंदा के बाद शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे नहीं, अरुज को। नहीं, नहीं। चले मैं ऑफिस चलता हूँ। बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। सुनने में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि ये मेरा, इद्रीस का और सलमान का हुक्म है। तुम्हारे और तुम्हारी मां के पास इस हुक्म को मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। खुशफहमी है आप लोगों की, और आप ना तो मुझे हुक्म दे सकती हो ना ही मेरी अम्मी को, और ये घर भी हमारा है। ये जो मकारी और फरेब का रूप धार रखा था ना आप लोगों ने, उस पर से पर्दा हट चुका है। बस बंद करो अपनी ये बकवास। तुम हमें धोखेबाज कह रही हो? बहस करने की जरूरत नहीं है अरुज, तुम इस घर से चली जाओ, बात को बढ़ाओ मत। बात तो आप लोग बढ़ा चुके हैं, अब तो बात खत्म होगी। खत्म ही तो कर रही हूँ इस बात को मैं। आपके पास बात शुरू करने का इख्तियार था, खत्म करने का नहीं। खत्म तो मैं करूंगी। देखो बेटा किस तरह बदतमीज। आइंदा मेरी अम्मी से एहतियात से बात कीजिएगा। इधर देखो सलमान, सलमान तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की?